हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर में न्यू ईयर ईव की एडवांस बुकिंग शुरू। जैसलमेर में दिवाली सीजन के बाद अब सैलानियों की चहल पहल शुरू हो जाने से पर्यटन व्यवसायियों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर महीने की सीजन जबरदस्त रहेगी और बड़ी तादाद में सैलानी यहां क्रिसमस और न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन के लिए आएंगे। दरअसल 18 महीनों से कोरोना की मार झेल रहे जैसलमेर में इस बार सर्दी चमकने के साथ ही पर्यटनों की आवक शुरू हो गई है, जो महीना खत्म होने तक अपने हाइट पर पहुंच जाएगी। जैसलमेर में अभी से जगह जगह सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। आने वाले 20 से 31 दिसंबर तक होटलों और रेस्टोरेंट में एडवांस बुकिंग है और जैसलमेर में सैलानियों की बम्पर आवक होने वाली है, जिससे यहां के पर्यटन व्यापार को कोरोना के बाद नया जीवन मिलेगा। जैसलमेर शहर में अभी से ही सैलानियों की आवक देखने को मिल रही है। दिसंबर महीने की शुरुआत में सैलानियों की आवक शुरू हो गई थी, जो अब तक लगातार जारी है। सैलानियों की बढ़िया आवक होने से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटन व्यापार से जुड़े मयंक भाटिया ने बताया कि हम लोग पिछले 18 महीनों से मंदी की मार झेल रहे थे, इस बार दिवाली में सीजन अच्छा गया और अब सीजन के पीक महीने दिसंबर में भी सैलानियों की अच्छी आवक है। हमको उम्मीद है कि सीजन अच्छा जाएगा। सैलानियों की 20 से 31 दिसंबर तक की भी बुकिंग शुरू हो चुकी है और दिसंबर महीना पर्यटन सीजन के लिए खास है। दरअसल इस महीने में सर्दी भी तेज हो जाती है, जिससे सैलानियों की आवक में इजाफा होता है। क्रिसमस व न्यू ईयर ईव मनाने के लिए भी देसी सैलानियों का यहाँ जमावड़ा लगता है। उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने में इस बार करीब 1,00,000 सैलानी के जैसलमेर आने की उम्मीद है। जैसलमेर में 300 के करीब छोटी मोटी होटलें व रेगिस्तान में रेस्टोरेंट्स बने हैं। इन सब ने कोरोना में काफी दुख झेला है, मगर इस बार इन सबको सैलानियों की एडवांस बुकिंग ने अच्छी सीजन की खुशी की दस्तक दे दी है। सम गांव में बने डेजर्ट वैली रेस्टोरेंट के गुलाम कादर मानते हैं कि इस बार सैलानियों की तगड़ी आवक होने वाली है और जैसलमेर में जितने भी लोग इस व्यापार में जुड़े हैं, वे कोरोना काल में मंदी को भी भूल जाएंगे। उन्होंने बताया कि हम सबको एडवांस बुकिंग मिल रही है और लगातार सैलानियों की बुकिंग आ रही है। क्रिसमस ईव और न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन में इस बार जैसलमेर में सैलानियों की बूम रहेगी और जैसलमेर में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। जागरूक टीवी की जैसलमेर से अक्षर डांगरा की रिपोर्ट।